तो माता अनुसुईया से बिना वस्त्र से भोजन मांगी। तो अनुसुईया माता ने कहा स्त्री का पति ही सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है। बोले सीता और राम लक्ष्मण तीनों लोग यहाँ से जाते थे नासिक की ओर। 6 महीने के बच्चे और माँ के बीच में आनो कोई स्त्री का कोई भेद नहीं होता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने यही उत्तर दिया कि हे देवी, आप तो मेरे को घमंड हो गया था कि तीनों लोग 14 भवन में हमसे बढ़कर सती कोई स्त्री नहीं। चित्रकूट में सुहागिन महिलाओं के लिए सती अनुसुईया माता का मंदिर अलग ही महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्रृंगार चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में जो सिंदूर मिलता है वो माता अनुसुईया से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि सती अनुसुईया मंदिर से प्रसाद के रूप में मिले सिंदूर को अविवाहित महिलाएं भी इस्तेमाल कर अपने जीवन को सफल बनाने की कामना कर सकती हैं। माता अनुसुईया से जुड़ी कई गाथाएं हैं जिनमें दो सबसे प्रमुख हैं। पहली ब्रह्मा विष्णु और महेश के सती अनुसुईया की परीक्षा लेने की कहानी, वनवास के दौरान माता सीता से हुई भेंट की कहानी। अनुसुईया माता मंदिर प्रांगण बेहद विशाल और वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। सामने की तरफ मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है तो मंदिर के प्रमुख द्वार के दोनों तरफ भगवान कृष्ण की अर्जुन को उपदेश देते विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर जगह जगह बनी प्रतिमाएं सती अनुसुईया के तप की गाथा सुनाती हैं। कहा जाता है कि वनवास के दौरान जब मर्यादा पुरुषोत्तम माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचे तो सती अनुसुईया आश्रम भी गए, जहां ऋषि अत्रि ने श्री राम को भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत कराया और दोनों भाइयों को अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान के साथ दिव्य आयुध प्रदान किया, जबकि सती अनुसुईया ने माता जानकी को पतिव्रत धर्म की दीक्षा दी, वनवास की कठिनाइयों से अवगत कराते हुए दिव्य आभूषण और वस्त्र उपहार में दिए। माता अनुसुईया ने सीता माँ को भेंट में एक ऐसी साड़ी भी दी जो कभी मैली नहीं होती थी। मान्यता है कि ये वस्त्र माता अनुसुईया को देवताओं से प्राप्त हुए थे। साथ ही माता अनुसुईया को 5 पतिव्रता स्त्रियों में एक माना जाता है और देवताओं के साथ ही भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी भी उन्हें माता ही मानते थे और उनका आदर करते थे। सती अनुसुईया की कथा मंदिर के पुजारी विस्तार से बताते हैं। जय श्री राम। ये माता अनुसुईया है, सामने ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में जो 6-6 महीने के बालक बनाए रही माता अनुसुईया ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों को घमंड हो गया था कि तीनों लोग 14 भवन में हमसे बढ़कर सती कोई स्त्री नहीं है। तो नारद जी ने बताया गया कि हे देवी, आपसे भी बढ़कर एक मृत्यु लोक की साधारण स्त्री जो आत्रि ऋषि की पत्नी कहलाती सती अनुसुईया बोले वो सबसे बड़ी पति पुजारण है और आपसे भी श्रेष्ठ है बोले। तो हे देवश्री, नारद बोले कि हम तीनों लोक और 14 भवन की देवी होने के बावजूद ही हम सती नहीं है। तो देवी माता बोले कि आप तो सती हो माँ, पर महासती नहीं है। तो बोले ऐसा हम कैसे मानेंगे? तो बोले आप नहीं मानो तो ना मानो, पर आपके पतियों से जाकर आप पूछिएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है जो अनुसुईया माता का जो भजन करते हैं। बोले तो जब तीनों देवी अपने अपने लोकों में गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने यही उत्तर दिया कि हे देवी, आप तो सती हो पर महासती नहीं है, आपसे बढ़कर भी एक मृत्यु लोक की साधारण स्त्री है जो महासती अनुसुईया कहलाती है। तो तीनों देवी ने तीनों देवताओं से कहा कि हे देवी, कि आप जाइए तीनों देवता साधु के भेष बनाकर माता अनुसुईया की परीक्षा लेकर आइए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के भेष बनाकर आए तो माता अनुसुईया से बिना वस्त्र से भोजन मांगे। तो अनुसुईया माता ने कहा कि हे साधु महात्मान के मन में तो गंदा विचार नहीं होता है, पर माता अनुसुईया ने मन में ध्यान किया अपने पति देव का, तो ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दिए साधु के भेष में। तो माता अनुसुईया ने इसी मंदाकिनी के जल से चुल्लू में पानी लिया और पति परमेश्वराय का जप करते हुए 3 वेद और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छोड़ दिए। अगर मैंने मन क्रम वचन या सपने में पर पुरुष का भी यानो की किसी का भी मैंने ज्ञात नहीं किया हो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो साधु के भेष में आए 6-6 महीने के बालक बन गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए। जब बालक बन गए तो 6 महीने के बच्चे और माँ के बीच में आनो कोई स्त्री का कोई भेद नहीं होता। तो माता अनुसुईया ने बालक को भोजन कराया, दूध पिलाया और पालने में डाल दिया। तो यहाँ नारद जी सारी लीला देखते हुए यहाँ से देखते हुए जा रहे थे। तो क्या गाते थे कि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, मारे खुशी के मैया फूली न समाते,
गोदी में लेती, कभी पालना झुलाती। इसके बाद ये तीनों लोग 14 बार भ्रमण करने लगे, तो तीनों देवी जब 6 मास बीत गए तो तीनों देवी घबरा गई, बोले हमारे पति अभी तक वापिस नहीं आए हैं। तो जब तीनों देवी घर से बाहर निकली तीनों लोगों से, तो नारद जी रास्ते में मिले। जब रास्ते में मिले नारद जी तो पूछा गया, हे माता, बोले आप कहाँ जा रही हैं? तो नारद जी ने बोले, माता हम तो अभी मृत्यु लोक से आ रहे हैं और 14 भुवन में भ्रमण करते हैं। तो हे देवर्षि, बोले हमारे पति बोले 6 मास से गए, बोले अभी तक वापस नहीं आए, बोले आपने कहाँ पहुँचाया? तो देवियों ने बताया कि हे नारद जी, आप ही ने तो बताया, तो आपसे बढ़ के महासती एक नारी है जो मृत्यु लोक में रहती है, हम उसकी परीक्षा लेने पहुँचाया। तो हे देवी, बोले किस भेष में आपने पहुँचाया था, उसी भेष में आपको भी जाना होगा, तभी ब्रह्मा विष्णु महेश वापिस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो माता अनुसुईया के पास जाना है तो 16 सामग्री लेके जाना, 16 श्रृंगार की सामग्री, और आप लोग ऐसी वस्तु में जाइए कि वे बाबों के भेष में गए थे, साधु के भेष में, तो आप जोगनिया के भेष बना कर जाइएगा। तो तीनों देवी अपने घमंड के मारे उसी सदारणी भेष में आ गए और अनुसुईया माता के सामने कहने लगी, हे देवी आप हमारे पतियों को वापिस कर दीजिए। तो अनुसुईया माता ने कहा कि हे देवी, हम आपको तो नहीं जानते, पर आप ये मेरे 3 बालक हैं, है? अगर आपके पति हो तो इनमें से आप पहचान लीजिए। तो बोले नहीं देवी, बोले हमारे ये पति छे। तो जब अनुसुईया माता ने कहा कि अगर आपके पति हैं तो आप जाइए और इनके पास से जाके पहचान लीजिए। जब तीनों देवी उनके पास गए तो तीनों देवी ता अनोखी पहचान नहीं पड़े, दोनों तीनों ही एक स्वरूप के थे। जब तीनों एक ही स्वरूप के थे, तीनों देवी ने देखा कि अगर हम एक दूसरे के पति को उठा लेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा और तीनों लोक में हमारी हंसी होगी। एक साधारण स्त्री के सामने हमने एक दूसरे के पति को उठा लिया। तो जाके माता अनुसुईया के सामने अपने जो स्वाग था 16 श्रृंगार रख दिए और माता अनुसुईया के सामने ओटी फैला दिए, कहने लगे, हे माता, आज से हमारा स्वाग आपके चरणों में अर्पण है, आप हमारे पतियों को वापस करिए। तो आत्र ऋषि का आदेश होता है, तो आत्र ऋषि कहते हैं, हे देवी, जिस प्रकार आप हमारे बिना अधूरी, इसी प्रकार तीनों देवी हमारे बिना अधूरी, इनके बिना अधूरी, तो आप इनको इन पति को वापस कर दीजिए, अपने अपने लोकों में जाएंगे, अपने अपने कार्य संभालेंगे। जब तीनों देवताओं को अपने पति की आज्ञा से तीनों देवताओं को वास्तविक रूप में कर दिया अनुसुईया माता ने उसी कमंडल से जल पानी से, जब फिर तीनों देवता जाने लगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश को देखकर अनुसुईया माता रोने लगी पालने के सामने, कहने लगी, बताओ आज तक मेरा पालने हरा भरा था, अब एकदम से खाली हो गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे, हे माता, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। तो अनुसुईया माता ने कहा, आप तो एक तरफ से हमारे पुत्र कहलाते हैं, पुत्र कभी माता को वरदान नहीं दे सकते, माता ही वरदान देती है पुत्रों को, पर आप भगवान हैं तो हमको केवल 2 वरदान दीजिए, कि पहला वरदान यह दीजिए कि मैं सदा पति की सेवा करूँ, और दूसरा वरदान यह दीजिए कि आप ही तीनों हमारे पालने में अवतारित हो। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में चंद्रमा ऋषि, दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय भगवान का अवतारित हुए। जब ये लोग चले गए तो वनवास काल में 14 वर्ष के वनवास में सीता और राम लक्ष्मण तीनों लोग यहाँ से जाते थे नासिक की ओर, तो यहाँ आत्र ऋषि के आश्रम में आए। आत्र ऋषि के आश्रम में आने के बाद आत्र ऋषि के दरबार हुआ राम और लक्ष्मण के साथ, और सीता माता का दरबार हुआ अनुसुईया माता के साथ। जब अनुसुईया माता ने देखा सीता माता को तो बहुत क्रोधित की कि हे देवी, बोले आप तो आपके आपके पति आपके साथ और आपने 16 श्रृंगार नहीं किया, बोले आपके वस्त्र कहाँ हैं? तो सीता माता ने अनुसुईया माता के हाथ जोड़ के विनती किया कि हे देवी, बोले हम जब वनवास के काल में निकले तो माता कैकेयी ने हमारे वस्त्रों को बोले मांग लिया कि बोले वन में इसका क्या काम है, बोले आभूषणों का, तो आप बोले मुनियों के भेष बना कर जाइए, जब 14 वर्ष पूरा हो जाएंगे इसके बाद आपके आभूषण हम वापस कर देंगे। तो अनुसुईया माता ने पतिव्रत का धर्म का उपदेश दिया कि हे देवी, बोले पति ही परमेश्वर है, पति के सिवा अन्य देवता कोई परमेश्वर नहीं है, स्त्री का पति ही सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है। बोले तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेम, और स्त्री के लिए एक ही मन से पति का इष्ट मानना चाहिए और पति के व्रत में आने की अनुकूल रहना चाहिए, पति के प्रीत आने किसी के में प्रीत नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से माता अनुसुईया ने पतिव्रत का उपदेश देते हुए कहा कि हे देवी, आप सदा पति की सेवा करना है। तो राम लक्ष्मण जब यहाँ से जाने लगे तो यहाँ से आत्र ऋषि महाराज से विनती मांगे और बता मार्ग पूछे कि आप हम कहाँ जाएं। तो आत्र ऋषि ने बताया कि आप बोले दक्षिण दिशा की ओर जाइए, नासिक की ओर, तो वहाँ पर आज सुंदर वन है, तो वहाँ पर बोले आप वनवासी काल बिता सकते हैं 14 वर्ष का। जय श्री राम। सती अनुसुईया माता से आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल पड़े चित्रकूट प्रवास के आखिरी पड़ाव में, जिसे कहते हैं गुप्त गोदावरी। कहा जाता है इस गुफा को भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था, यहीं से गोदावरी गुप्त रूप से निकलती है। इस गुफा से जुड़ी एक कहानी बड़ी प्रचलित है, जिसे खटखटा चोर की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त गोदावरी के अंदर के दृश्य और इससे जुड़ी कहानी हम आपको हमारे अगले वीडियो और चित्रकूट यात्रा के अंतिम वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए
आप हमारे रग रग में राम के पहले सीजन और चित्रकूट यात्रा के बाकी वीडियोस का भी आनंद उठाएं।